सो हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो. और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वी विल ट्राई टू आंसर दिस वेरी क्वेश्चन. व्हाट इफ वी कुड क्रिएट एनर्जी जस्ट लाइक द सन. मतलब आप सोचिए, जितनी भी हमारी एनर्जी डिफिशियंसी है, जितना भी हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, अगर हम क्रिएट कर पाए ऐसी एनर्जी तो हमें तो फिर इतना रोना पड़ेगा ही नहीं एनर्जी के लिए. उसी प्रोसेस से हम एनर्जी निकाल सकते हैं. आपने कभी सोचा है, आप मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन. अगर फ्यूजन में हम बात करें तो एक बड़ा एलिमेंट रहता है, उसको दो तीन हिस्सों में तोड़ा जाता है, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स में, और उसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तो दो तीन स्मॉल एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं एक बड़ा एलिमेंट फॉर्म करने के लिए, और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. अगर हम बात करें कि सन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन से करता है, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, और सेम प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम नहीं करता है, सब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर काम करते हैं. आपने कभी सोचा है कि क्यों है ऐसा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है. देखिए, जैसा कि हम बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका भी डिफरेंस है. जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है उसमें बहुत कम, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और वो प्रोसेस कैरी हो जाती है. लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके एक्सपेक्टेड जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम होती है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है. इसलिए आप देखेंगे कि कहीं भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है, कहीं भी न्यूक्लियर फ्यूजन का आपको कहीं नहीं मिलेगा. लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिस पे आप ये देख सकते हैं 7 मेन पार्टीज हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रही हैं, जिसका नाम है ITER, और यू कैन से इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. इसकी हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो कि फ्यूजन प्रोसेस पे काम करेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दिक्कत हमारे साथ आती है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं वो एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं. मतलब जितना एनर्जी आप उन्हें देते हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि वो फ्यूजन रिएक्शन को कैरी करें, उससे बहुत कम एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है. लेकिन अगर हम इस ITER की बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक बार जब ये बन के ख़त्म हो जाएगा तो ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा उस प्रोसेस को कैरी करने में, उससे दुगना एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा. तो चलिए देखते हैं कि मतलब इसका क्या बेनिफिट है, क्यों इस पे ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, और कोरिया जब हम बात करते हैं मेनली साउथ कोरिया ही होता है, नॉर्थ कोरिया तो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, रशिया हो गया और USA हो गया, तो ये सब मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पे. तो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं. तो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट वैसे तो 24 अक्टूबर 2007 को हुआ है. इसका हेडक्वार्टर है सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस में, फ्रांस में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है बर्नार्ड बिगट. अगर हम बात करें इसकी एक हिस्ट्री की, तो वैसे तो ये 1985 में चालू हो गया था एज अ रीगन गोबरचेव इनिशिएटिव, जिसमें जो रीगन है, रोनाल्ड रीगन, आप सब जानते होंगे, US के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और गोबरचेव रशिया के, तो इन सब का जॉइंट इनिशिएटिव था विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी एंड द US एंड जापान. लेकिन उसके बाद जो भी कुछ दिक्कतें हुई, उसके बाद इसकी जब बात चालू हुई तो वो हुई फिर 2007 में, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हो गया. तो अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर ये बन के तैयार हो जाए, क्यों हम मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से क्यों नहीं काम कर ले रहे, ये क्यों बना रहे हैं, तो इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं कि ये क्लीन है, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा इससे, सेफ है. जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मतलब एक जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं उसमें तो मेल्टडाउन हो जाते हैं कभी कभी कोर में, लेकिन इसमें नहीं होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेल्टडाउन की. अगर हम बात करें कि जो फ्यूल लगता है, तो फ्यूजन, अपना जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, यूरेनियम 235 या 237, तो वो इतना एबंडेंट नहीं है. लेकिन जो फ्यूजन फ्यूल है उसमें तो आप कोई भी दो तीन एलिमेंट जो स्मॉल स्मॉल होंगे उनको कंबाइन करके बना सकते हैं, तो इसकी एबंडेंस बहुत है फ्यूजन फ्यूल की. अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो वैसे तो 2007 से बहुत काम हुआ है, लेकिन जो पर्टिकुलर पीरियड की हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है 2018 से 2025 में. तो इस बीच में जो काम होना है या जो हो चुका है वो है असेंबली और इंटीग्रेशन का, जिसमें दिसंबर 2018 में कंक्रीट सपोर्ट फिनिश्ड हो गया था,
जुलाई 2019 में बॉटम एंड लोअर सिलेंडर ऑफ द क्रायो स्टेट असेंबल्ड फॉर फ्रॉम पीसेस। देखिए क्रायो वर्ड जहाँ भी आप सुने तो उसका मतलब है लो टेम्परेचर, बाकी इतना हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं घुसेंगे। और बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, मशीन असेंबली फॉर्मली लॉन्च जुलाई 2020, नवंबर 2020 में वेल्डिंग स्टार्ट होनी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो अगर चाहें तो। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो का, क्यों मतलब ये सात नेशंस और अभी तो मतलब इसमें 35 नेशंस हैं इंक्लूडेड, तो अगर हम बात करें कि क्या है ऑब्जेक्टिव, क्यों हम इतना मतलब इसके ऊपर कर रहे हैं, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी है, हम फ्यूजन पावर से भी जनरेट कर सकते हैं एनर्जी। तो एक बार पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन पावर एंड शो दैट इट कैन वर्क विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। इन डूइंग सो इट वुड ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग नेसेसरी टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉजिस्टिक्स स्किल एंड सप्लाई चेन इनेबलिंग मैनेजमेंट ऑफ सच मेगा प्रोजेक्ट्स। देखिए अगर बात करें तो मतलब एक इस सिंगल प्रोसेस में इन डूइंग सो इट वुड हेल्प इन बिल्डिंग नेसेसरी टेक्निकल, मतलब उसको मैनेज करने के लिए जो टेक्निकल ज़रूरतें हमारी, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स चाहिए हमें, जो स्किल्स चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, वो सब हम डेवलप कर पाएंगे। आप सोचिए कि मतलब उतनी हम जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे एक सिंगल इससे, और क्लीन एनर्जी हमें मिल पाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बार हमें इतना क्लीन एनर्जी नहीं मिलता क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट कुछ जनरेट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और जो वेस्ट इसमें जनरेट होना है वो इतना हमारे लिए हार्मफुल होगा नहीं। तो ये इतना ही था इस वीडियो में। अगर और आप कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल आई गेस, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।